वेलकम। आज हम लोग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आगे चर्चा के क्रम में मदर टंग, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मातृभाषा सामान्यतः अलग अलग शिक्षाविदों हम भी अपने स्तर से परिभाषा देने का प्रयास किए हैं। उन परिभाषाओं को एक साथ देखने पर कुछ बातें सामान्य होती है और उन्हीं सामान्य बातों को हम इस चर्चा के क्रम में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मदर टंग भी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। उनका में सबसे महत्वपूर्ण है कि मदर टंग इमीडिएट इन्वायरमेंट से सीखी जाती है, चाहे विद्यालय जाए या न जाए, लेकिन मदर टंग जरूर पूरे जीवन में हम मदर टंग सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन दो ही चीज उसमें सीख पाते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग। ये मदर टंग दूसरी भाषाओं को सीखने में भी सहायता करती है। जैसे अगर मदर टंग की बात की जाए, विद्यालय जाने के पहले या किसी शैक्षणिक संस्थान में जाने के पहले, तो मदर टंग और सीखने की प्रक्रिया में वर्ड्स, देन सेंटेंस, देन ग्रामर, देन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज, जैसे पैराग्राफ हम कहते हैं, तब इवेंट्स, ये प्रक्रिया है इसको सीखने की। और वहीं जब फॉर्मल वे में आते हैं तो भाषा की, मातृभाषा की अगर हम यहाँ बात करते हैं या किसी भी भाषा की जब बात होती है, तो इसमें दो स्किल वे में ही संभव है। तो दो मदर टंग के दो स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग नॉन फॉर्मल और रीडिंग राइटिंग फॉर्मल वे में। भाषा जब हम या तो फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, तो धीरे धीरे मातृभाषा के शब्द दूसरी भाषाओं को सीखने के क्रम में रिप्लेस करते जाते हैं और उनका इवेंट या प्रोसेस हम कह सकते हैं वर्ड्स ऑफ मदर टंग, देन वर्ड्स ऑफ द अदर लैंग्वेज, देन रिप्लेसमेंट्स ऑफ वर्ड्स थ्रू मदर टंग फ्रॉम द अदर लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, और अंत में कॉम्प्रिहेंशन जिस भाषा को हम सीख। अब यहाँ पर बात चूंकि हम लोग अंग्रेजी की कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में हमारे मदर टंग का क्या रोल है, एक एक करके इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कि पहला है कि मदर टंग हेल्प्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश, द वर्ड्स ऑफ मदर टंग आर सिंपली ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश, नोइंग द मीनिंग ऑफ मदर टंग फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन द मीनिंग इन द इंग्लिश, मस्ट फील इजी फ्रॉम द मीडियम ऑफ मदर टंग। सो दीज आर द बेनिफिशियल पार्ट्स ऑफ मदर टंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज।